हेलो माई नाव डी स्टूडेंट दिस इज मानसी वेलकम बैक टू दी चैनल नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस देश ऑन पेज नंबर सेवन फर्स्ट क्वेश्चन है इफ़ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन पता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन तो वो बोल रहे हैं अगर ऐसा है तो इससे एक्सप्लेन करो हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट एक हॉर्स जो है वो कार्ट को कैसे पुल करके अपने साथ लेके जाता है दर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट एक्शन इज ऑलवेज टू द रिएक्शन बट देख

ऑपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स लगा रहा है इसी वजह से वो आगे चल पाता है और कार्ट को अपने साथ पुल कर पाता है कट इट आगे चलते हैं नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेन वाई इज इट डिफिकल्ट फॉर अ फायरमैन

वॉटर इन दर्ड डायरेक्शन कम्स आउट विदार्ज मोमेंटम एंड इक्वल अमाउंट ऑफ मोमेंटम इज डेवलप्ड इन द हो द ऑपोजिट डायरेक्शन अब क्या हो रहे हैं एक तो वो खुद इतने ज्यादा मोमेंटम के साथ आ रहे हैं और अगेन बिकॉज एंड ऑपोजिट रिएक्शन

And hence the horse is pushed backward. It becomes difficult for a fireman to hold a horse which experiences this large. मोमेंट है अब जब उतने ही फोर्स से वापस को आएगा तो अब उसको होल्ड रखना जैसे एक गन हमने देखा था कि उसमें से बुलेट निकलते तो गन पीछे को आते नॉर इमेजिन यहाँ से तो इतना लार्ज अमाउंट ऑफ मोमेंटम के साथ कोई चीज आ रही है तो वो कितना जोर से बैकवर्ड जाएगा तो उसको बहुत फर्मली होल्ड करना पड़ता है ठीक है जी सो so, ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन अब थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन हमारे न्यूमेरिकल्स हैं पढ़ लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg a bullet of mass 50 gram is fired with an initial velocity of 35 meter per second calculate the initial recoil velocity of the राइफल सो so, ये हमने ऐसा एग्जाम्पल भी किया हुआ है अगेन यहाँ पे बुलेट और उसका है कोई है है राइफल राइफल ना और बुलेट का इस केस में हमें पता है, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी हम जीरो लेते आई नो अलग 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 टीचर्स तरह से कराते हैं वैसे आपको ठीक लगता है करना है बट हम यहाँ पे जो पूरा मोमेंटम अपना कंजर्वेशन मोमेंटम वाला जो फॉर्मुला था हमारा वो यूज करते हुए चलेंगे सो so, पहले लिख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे है एक राइफल है और यहाँ पे बुलेट की बात हो रही है जी चलो राइफल का मास कितना गिवन है इसका मास हमें गिवन है फोर के जी बढ़िया आगे बढ़ते हैं फिफ्टी ग्राम है? आगे कोई गलती ना हो इसको अभी कन्वर्ट कर लेते हैं किलोग्राम सो यहाँ पे है फिफ्टी दिस विल बीवल टू फिफ्टी अपॉन वन थाउजेंड जीरो से जीरो कैंसिल आ गया जीरो पॉइंट जीरो सो यहाँ पे लिख देंगे जीरो पॉइंट जीरो kgs ठीक है साथ-साथ हमने कन्वर्ट कर लिया आगे देखो विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकंड सो पहले तो दोनों का जो u है दोनों ही रेस्ट की पोजीशन पे थे जीरो होगा ये भी जीरो होगा अब यहाँ पे किसकी वेलोसिटी हमें गिवन है बुलेट की वेलोसिटी गिवन है कि, किस वेलोसिटी के साथ जा रही है वो 35 मीटर पर सेकंड सो ये हमारा हो गया नाउ इसका v हमें

मतलब फायरिंग एंड आफ्टर फायरिंग इज ऑलवेज इक्वल सो मास ऑफ़ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इस सबको वन 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 ले लेते हैं इसको हम टू 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 लेते हैं ठीक है जी सो एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इक्वल होगा एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू ठीक है वैल्यू पुट करते हैं मास ऑफ फर्स्ट इज फोर एंड यू वन इज जीरो प्लस मास ऑफ सेकेंड इज जीरो पॉइंट जीरो फाइव एंड यू टू इज जीरो टू एम वन फोर वेलोसिटी वी वन हमें निकालना है प्लस मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट जीरो पॉइंट जीरो फाइव एंड इन टू वी टू कितना के वन है थर्टी फाइव चलो सो ये तो पूरा जीरो ही हो जाएगा दिस इज इक्वल टू फोर वी वन एंड दिस इज प्लस अब थर्टी फाइव को हमें मल्टीप्लाई करना है फाइव से कर लेते हैं we have 5 25, 5 बात है इसको लेकर चलते हैं चलो ये हो जाएगा माइनस वन पॉइंट सेवन फाइव लगेगा। टू फोर वी वन ठीक है वी वन की वैल्यू निकालनी है वी वन इक्वल हो जाएगा माइनस वन पॉइंट सेवन फाइव अपॉन में फोर ठीक है अब इसको डिवाइड कर लेते हैं यहां से मैं इसको रब कर देती हूँ एंड अब डिवीजन करते हैं फोर को डिवाइड करना है वन पॉइंट सेवन फाइव से ठीक है सो अगेन स्टार्ट ही हम पॉइंट से ही करेंगे सो so, ये हमारा हो जाएगा फोर इन फोर एज सिक्सटीन एंड ये आ गया हमारे पास फाइव ये आ गया वन सो फिफ्टीन से छोटा क्या है थ्री से करेंगे ट्वेल्व आ जाएगा ये आ जाएगा ट्वेल्व थर्टीन फिफ्टी थ्री थर्टी आ गया सेवन से कर देंगे ट्वेंटी इतना काफी है सो so ये हमारे पास आ गया माइनस जीरो पॉइंट सेवन थ्री सॉरी फोर थ्री फोर थ्री सेवन सो दिस इज आंसर ऑल्सो ये रब कर देते हैं चलो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया यही हमसे पूछा था कि रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी एंड ओ मैंने आंसर ही रब कर दिया अरे 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 चलो कोई बात नहीं क्या आया था आंसर माइनस जीरो पॉइंट फोर क्या था भाई

निकालनी है सो so, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वी हैव ऑब्जेक्ट वन एंड ऑब्जेक्ट टू यहाँ लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है वो भी लिख लेते हैं सो so, हमें मास दे रखे हैं दोनों के मतलब एम वन हमें गिवन है हंड्रेड ग्राम्स हंड्रेड ग्राम्स मतलब देखो जरा वन ग्राम इक्वल होता है वन अपॉन वन के करेक्ट सॉरी सो हंड्रेड ग्राम्स कितना होगा हंड्रेड जीरो कैंसिल जीरो से जीरो अगेन 200 हंड्रेड को कन्वर्ट करेंगे सो so, हमारे पास आ जाएगा जीरो पॉइंट टू के जी सो दिस इज आर एम टू ठीक है जी और क्या दे रखे दोनों की वेलोसिटी दे रखी है जिसका हंड्रेड ग्राम मास था उसकी वेलोसिटी है टू मीटर पर सेकेंड मतलब यू वन हमें गिवन है टू मीटर पर सेकेंड एंड वन मीटर पर सेकेंड सेकेंड वाले का दे रखे मतलब यू टू है हमारा वन मीटर पर सेकेंड ओके नाउ दे है वी वन हमें गिवन है दैट इज वन पॉइंट सिक्स सेवन मीटर पर सेकेंड ठीक है और इसकी वेलोसिटी हमें मतलब वी टू हमें करना है फाइन ओके okay जी चलो अब हमें यहाँ पे अगेन अपना वही चीज दो ऑब्जेक्ट मोमेंटम वाला लगा लेंगे हमें पता है अच्छा यहाँ स्पेस में होगा नहीं सो मैं यहाँ लिखती हूँ एम वन इंटू यू वन प्लस एम टू इंटू यू टू इक्वल होगा एम वन इंटू वी वन प्लस एम टू इंटू वी टू कर लेते हैं कलर चेंज कर लेते हैं पहले तो जीरो पॉइंट वन इंटू यू वन है टू प्लस एम टू है जीरो पॉइंट टू यू टू है हमारा वन दिस इज इक्वल टू एम वन है जीरो पॉइंट वन वी वन है वन पॉइंट सिक्स सेवन प्लस एम टू है जीरो पॉइंट टू एंड वी टू हमें निकालना है ओके okay जी सॉल्व करें टू इंटू जीरो पॉइंट वन है जीरो पॉइंट टू प्लस जीरो पॉइंट टू इन टू वन इज अगेन जीरो देखो वन पॉइंट सिक्स सेवन को आप वन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा सेम ही आएगा लेकिन अब डेसिमल तीन डिजिट पहले होना चाहिए तो मतलब ये हो जाएगा जीरो पॉइंट वन सिक्स सेवन क्लियर देन प्लस अब इसको मल्टीप्लाई तो करेंगे तो एज इज लिख लेंगे जीरो पॉइंट टू वी टू क्लियर है यहाँ तक अब देख लो जरा इसको प्लस कर दो ये हो गया जीरो पॉइंट फोर एंड दिस इज इक्वल टू अच्छा इसको इधर ले आए चलो अभी ऐसे लेते हैं वहाँ जाके मैं इसको करती हूँ सेवन प्लस जीरो पॉइंट टू वी टू चलो इधर सॉल्व करते हैं इसको इसको यहाँ ले जाते हैं यहाँ पे ऑलरेडी है जीरो पॉइंट फोर माइनस ज्यादा बड़ा लिख दिया मैंने सो जीरो पॉइंट फोर माइनस क्या है हमारे पास जीरो पॉइंट वन सिक्स सेवन इक्वल्स टू इधर आके माइनस हो गया ना ये हमारा रहेगा जीरो पॉइंट टू वी टू सो ये हो जाएगा जीरो पॉइंट फोर जीरो जीरो एंड देन वी है जीरो पॉइंट वन सिक्स सेवन सो ये हो जाएगा टेन में से सेवन गया हमारे पास आ जाएगा थ्री बचा नाइन नाइन में से सिक्स गया अगेन थ्री थ्री में से वन गया टू पॉइंट ये आ गया जीरो पॉइंट टू थ्री थ्री इक्वल्स टू जीरो पॉइंट टू वी टू अब इसको वहां भेज देंगे सो आ जाएगा अपॉन में अब बस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वेलोसिटी आ जाएगी अब देखो ऐसे वाले क्वेश्चन पीछे ले चलते हैं आराम से सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको जीरो पॉइंट टू थ्री थ्री अपॉन में जीरो पॉइंट टू है तो इसमें कंफ्यूजन क्या होती है डेसिमल की गलती हो जाती है देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है मतलब नीचे ऊपर एक जीरो आनी चाहिए यहाँ डेसिमल के बाद तीन जीरो थी तो नीचे तीन मैं तीन डिजिट थी तो नीचे तीन जीरो आएंगे ठीक है जी आप देख लो जीरो से जीरो कैंसिल डेसिमल हम हाँ हटा चुके हैं तो हमारे पास बचा टू थ्री थ्री अपॉन में टू हंड्रेड कैसे निकालेंगे इसको डिवाइड करके सो टू हंड्रेड को हमें डिवाइड करना है टू थ्री थ्री से अब देखो जरा वन से ही हो जाएगा टू हंड्रेड आ गया यहाँ पे बचा थर्टी अब थर्टी छोटा आ गया तो पॉइंट लगा देंगे थर्टी थ्री था पॉइंट लगाया ये हो जाएगा थ्री थर्टी अब टू हंड्रेड को देखो अगर हम टू से करेंगे तो बड़ा ही फोर हंड्रेड हो जाएगा सो वन से ही अगेन टू हंड्रेड से छोटा से है तो बड़ा हो जाएगा तो सिक्स से कर लेते हैं ये हो जाएगा टेल्व हंड्रेड यहाँ पे बचा हंड्रेड अगेन इसको थाउजेंड कर देंगे सो अब फाइव से करेंगे तो ये पूरा पूरा ही हो जाएगा थाउजेंड से ये हो गया कैंसिल सो so, हमारे पास आंसर आ गया ये वी टू की वैल्यू है हमारी 1.165, ओके जी सो ये हमें वेलोसिटी यही फाइंड करनी थी सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सो so, वो हमने यहाँ पे फाइंड कर दी दैट इज सिक्स फाइव मीटर पर सेकेंड लिख लेना सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन अच्छा इन बिटवीन हमारे यही क्वेश्चन थे दो पेजेस पे थे दोनों हमने डिस्कस कर लिए नाउ वील मूव टू आर बैक एक्सरसाइज बैक एक्सरसाइज में भी काफी सारे क्वेश्चन है सो नेक्स्ट सेशन में अपनी बैक एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इफ यू आर रियली लाइकिंग द दीडियोज आपको समझ में आ रही है डू हिट द लाइक बटन डू शेयर द दीडियोज एंड ऑल्सो लीव योर वैल्यूएबल कमेंट्स एंड इफ यू इवन सब्सक्राइब दी चैनल येट प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल नाउ विल सी दी नेक्स्ट वीडियो बाय फॉर नाउ